Now next one is case में जैसे discuss करेंगे how to creating two dimensional array using malloc function और by following process of dynamic memory allocation. इस case में जैसे मैं 2x3 का array create करने जा रहा हूँ. Already source code data इस case में number of rows कितनी मैंने जाऊँगी 2 rows and 3 columns. चेक करते हैं इस case में जैसे particular approach किस type से follow हुआ. Especially यार रखना इसे particular example को start करने से पहले मैं आपको explain करना चाहूँगा. For example, suppose अगर आप statically कोई array create करते like that way int a3 then इस केस में जस्ट एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे गिवन डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट्स अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है और इंटीजर का साइज 2 बाइट देन इन दैट केस इस केस में अगर इस ब्लॉक का नेम क्या क्रिएट होगा ए फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या होगा इस केस में a ऑफ 0 सेकंड केस में a ऑफ 1 सेम एज a ऑफ 2 क्लियर लेकिन आपको पता होना चाहिए a क्या है इस केस में एरे नेम इसे एरे नेम के केस में एरे नेम चाहे फर्स्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई करो सेकंड एलिमेंट के लिए अप्लाई करो लास्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई करो एरे नेम के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है इसका जस्ट एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ 100 ऑफ 0 इसे ए ऑफ 0 कब था जब इस ब्लॉक का नेम क्या था ए सपोज दैट इस ब्लॉक का कोई नेम ही नहीं है अगर नेम नहीं था ना उस केस में इसको राइट डाउन करने का अदर वे क्या मीन्स a0 a1 a2 भी राइट डाउन करना पॉसिबल है इसके अलावा अदर केस अदर पॉसिबल केस क्या है ए के प्लेस पर आप रिप्लेस क्या करा सकते हो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस व्हिच इज 100 तो इस लोकेशन को अदर नेम्स पर ऐड कर सकते हो जैसे 100 ऑफ 1 100 ऑफ 2 100 ऑफ 3 एंड सो ऑन क्लियर अगर आप कहीं भी राइट डाउन कर दे 100 ऑफ 0 देन 100 ऑफ 0 का वैल्यू क्या रिप्लेस होगा 10 अगर इसको रिजॉल्व करोगे स्टार ए प्लस आई के फॉर्म तो इसका अदर रिप्रेजेंटेशन क्या स्टार 100 प्लस 0 100 प्लस 0 बिकम्स 100 मींस स्टार 100 इट इज इक्विवेलेंट टू स्टार दिस इज द 3 नेम सेम है सेकंड केस में नेम्स क्या हो सकते हैं a ऑफ i इसका कन्वर्ट क्या स्टार a प्लस i मींस स्टार 100 प्लस 1 और 100 प्लस 1 का एडिशन क्या आएगा 102 इट इज स्टार 102 सेम है इन दैट केस स्टार 100 प्लस 2 100 में 2 एडिशन करा हुए इंटीजर एड्रेस में इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 4 से 104 इट विल बिकम इट इज सिमिलर टू स्टार 104 मींस अभी भी लॉजिकल मीनिंग सेम है ऑल इस केस में मैंने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया कि न्यू कांसेप्ट इज लाइक दैट वे दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्योंकि आपको पता है स्टैटिक एरे के केस में इस प्लेस पर तो आप श्योर थे एरे का नेम ये था इसलिए 100 के प्लेस पर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो a0 a1 a2 लाइक दैट बट सपोज दैट डायनेमिकली जब मेमोरी स्पेस एलोकेट कराओ कोई ब्लॉक एलोकेट करो देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ब्लॉक का कभी कोई नेम नहीं होता लेकिन ब्लॉक का बेस एड्रेस होता है देन आपके पास एरे नेम के प्लेस पर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इन ऑल प्लेस देन इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल क्योंकि इनका इंटरनल कन्वर्जन क्या हुआ लाइक दैट स्टार 100 स्टार 102 स्टार 104 सेम है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपके लिए गिवन एग्जांपल समझना काफी इजी है प्लस इस केस में एरे का साइज मैंने फिक्स रखा है मींस इसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं 2x3 का एरे क्रिएट करना चाहता हूं क्लियर देन फाइनली आपको चेक करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस इंटरनली किस टाइप से रिजॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्रिएट किया हुआ लोकल वेरिएबल है p क्रिएट किया करा हुआ लोकल वेरिएबल p और p इस केस में क्या डबल पॉइंटर प्लस लोकल इसलिए क्रिएट का वो इनसाइड स्टैक क्लियर p का एड्रेस कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं जैसे 1000 p का खुद का एड्रेस क्या लाइक 1000 और एनी एड्रेस नेक्स्ट वन फर्स्ट केस में मींस इस केस में एलोकेशन किसके थ्रू करा यूजिंग कैलॉक फंक्शंस कैलॉक के केस में आपको बताना चाहिए मींस मैलॉक और कैलॉक ऑलरेडी सेम प्रोसेस है ओनली डिफरेंस क्या कैलॉक इज अ टू आर्गुमेंट फंक्शन प्लस कैलॉक के केस में जब भी कोई एलिमेंट क्रिएट हो तो एलिमेंट्स का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा ऑलवेज 0 फर्स्ट केस कैलॉक के थ्रू टोटल कितने मींस फर्स्ट केस क्या है नंबर ऑफ आइटम्स तो कितने आइटम्स क्रिएट होंगे 2 दिस इज द साइज ऑफ ईच आइटम मींस 2 बाइट्स के टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे जस्ट 2 एलिमेंट्स प्लस सभी एलिमेंट का साइज टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहा है 2 एलिमेंट्स और सभी एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट तो इस केस में जस्ट फर्स्ट केस में मींस टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 बाइट्स फर्स्ट ब्लॉक का साइज क्या 2 सेकंड ब्लॉक का साइज क्या 2 एड्रेस सपोज दैट 100 नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या 102 अगर इस ब्लॉक का एड्रेस 100 है इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं 100 ऑफ 0 सेम एज 100 ऑफ 1 दिस इज द बेस्ट वे देन डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे जस्ट 00 क्लियर नेक्स्ट वन फाइनली कैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा क्रिएटेड ब्लॉक का एड्रेस व्हिच इज 100 असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल p p में कैसा हो जाएगा जस्ट
100 या फिर मैं इसका एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ 1000, तो इसका एड्रेस क्या होगा 1002। तो इस प्लेस पर आसानी का जस्ट 1000 पॉइंटर वैल्यू पी 1000 लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो चेक कर सकते हो पी में क्या स्टोर है 1000। तो कहीं भी अगर 1000 रिटर्न है देन 1000 के प्लेस पर पी यूज करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं राइट डाउन करता हूँ लाइक दैट पी ऑफ आई, तो पी के प्लेस पर श्योर हो पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 1000। तो उसका मीनिंग क्या है 1000 ऑफ आई। तो कहीं भी अगर 1000 लिखा हुआ 1000 के प्लेस पर पी को रिप्लेस करना पॉसिबल है या पी के प्लेस पर 1000 रिप्लेस करना पॉसिबल होगा। पर्टिकुलर इनके नेम्स क्या होंगे 1000 अगेन 1000, क्योंकि मैंने इस ब्लॉक का एड्रेस चेंज कर लिया था 1000 ऑफ 2। तो इस प्लेस पर 1000 के प्लेस पर यूज क्या कर सकते हैं पी ऑफ 0, इट विल बिकम्स पी ऑफ 1। क्लियर। इसे एरे आपको फिजिकली कैसे दिख रहा है, लुक्स लाइक अ वन डायमेंशनल एरे। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट वन कैलॉक अगेन कॉल होगा, इसके इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे 3 एलिमेंट, और सभी एलिमेंट का साइज क्या है 2। तो मीन्स 2 बाइट्स के 3 ब्लॉक्स क्रिएट करने नीड है 2 बाइट्स। इसे एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है 2 बाइट, टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे 3। फर्स्ट 2 बाइट्स, नेक्स्ट 2 बाइट्स, इसका एड्रेस अगर 100 है नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या 102 104। इसको नेम दे सकते हैं 100 ऑफ 0 100 ऑफ 1, क्योंकि इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 100 100 ऑफ 2, लाइक दैट वे। नेक्स्ट वन डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे 0 0 0, बिकॉज ऑफ कैलॉक, कैलॉक के थ्रू 3 एलिमेंट्स क्रिएट हुए, एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट्स। नेक्स्ट वन कैलॉक भी रिटर्न क्या करेगा क्रिएटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस, बेस एड्रेस 100 है, टाइप कास्टिंग के बाद 100 आसानी के समझा पी जीरो में, तो पी जीरो मीन्स पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कर लो, पी का वैल्यू क्या है 1000। फाइनली जो भी एड्रेस 1000 रिटर्न हो रहा आसानी के समय होगा 1000, सॉरी एड्रेस क्या है कैलॉक से 100 या 100 आसानी के समय 1000 ऑफ 0, 1000 ऑफ 0 मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा 100। देन इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कौन करेगा दैट पॉइंटर, इट इज पॉइंटर वैल्यू लाइक दैट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगेन वन मोर केस, अगर आप सिंपल केस चेक करो, अगर कहीं भी मैं राइट डाउन करता हूँ सिंपली पी ऑफ 0, चेक इट, पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा पी का वैल्यू 1000। क्लियर। एंड 0 एंड 1000, 0 का वैल्यू क्या है 100, तो इसका मीन्स इसके प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हुआ 100। तो कहीं भी किसी भी प्लेस पर 100 के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं पी ऑफ 0, और पी ऑफ 0 के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हो जस्ट 100। तो 100 के प्लेस पर राइट डाउन करने का अदर वे क्या आपके पास, इस 100 के रिस्पेक्ट में एरे आपको क्या लग रहा है लाइक अ वन डायमेंशनल एरे, लेकिन पी के रिस्पेक्ट में चेक कर दें 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराऊंगा मैं, मीन्स 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे पी 0, क्योंकि अगर आप कहीं पी 0 यूज करोगे पी 0 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ फाइनली 100, तो 100 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे पी ऑफ 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ 100 के प्लेस पर क्या लिखा है मैंने पी 0, और 100 के साथ में क्या है अगेन वन मोर टाइम 0, फर्स्ट 0 क्या रो इंडेक्स, सेकंड 0 क्या कॉलम इंडेक्स, मीन्स इसको कंसीडर करो दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, इसको लॉजिकली कंसीडर करें फर्स्ट रो ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, और फर्स्ट रो का ऑलवेज रो इंडेक्स क्या होता है 0, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या 0, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या 1, एंड थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या 2। तो इसको जस्ट कंसीडर कैसे करेंगे अगेन 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे पी 0, मीन जहाँ भी 100 है 100 के सारे ऑक्शन किससे रिप्लेस हो जाए पी 0 से, और 100 के साथ में अगेन क्या है 1, दिस इज अ रो इंडेक्स दिस इज कॉलम इंडेक्स, अगेन 100 के प्लेस पर क्या जाएगा पी 0 एंड कॉलम इंडेक्स क्या जस्ट 2। मीन्स फिजिकली आपको कहीं भी 2D एरे सो नहीं हो रहा, लेकिन एलिमेंट कैसे एक्सेस हो रहा है लाइक 2 डायमेंशनल एरे प्लस 2D एरे भी क्रिएट होगा जस्ट अभी फर्स्ट केस मैंने एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट केस में क्रिएट किया हुआ है फर्स्ट इसे कैलॉक फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया, मीन्स कैलॉक फंक्शन एट एनी टाइम क्रिएट किया करेगा सिंगल रो, अगर ये 2 टाइम एग्जीक्यूट करोगे तो टोटल रो कितने क्रिएट हुए 2 रो मीन्स 2 रो के अंदर एवरी टाइम कॉलम्स कितने 3 कॉलम्स चेक कर सकते हो, फर्स्ट रो में कॉलम कितने 3, सेकंड टाइम क्रिएट होगा तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर कॉलम्स कितने ऑल्सो 3। ये दोनों ही रो को जब आप कंबाइन क्लब करके चेक करोगे ना आपको फिजिकली कैसे देखे लुक्स लाइक अ 2 डायमेंशनल एरे, प्लस एक्सेस करने के वे भी क्या है चेक कर सकते हो पी के रिस्पेक्ट में एलिमेंट कैसे एक्सेस हो रहा है लाइक अ 2D एरे। क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन नेक्स्ट टाइम पी ऑफ वन में पी के प्लेस पर क्या आएगा 1000, और कैलॉक के थ्रू अगेन कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे 3 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, और एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या होगा 2 बाइट्स, तो अगेन 2 बाइट्स के कितने ब्लॉक्स क्रिएट होने जा रहे हैं जस्ट 3 ब्लॉक्स,
क्लियर, थ्री ब्लॉक्स और सभी ब्लॉक का साइज क्या है 2 bytes। अगर इसका एड्रेस 200, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसके प्रीवियस रो का एड्रेस, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 104 है तो इसका 106 होगा। इसके इसमें एड्रेस रैंडम होंगे क्योंकि दोनों ही वन डायमेंशन दे रहे हैं, दोनों ही रो सिंगल टाइम में क्रिएट हुआ है, टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में क्रिएट हुआ है, टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में। इसके इसमें एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 202204। क्लियर, इस ब्लॉक का बेस एड्रेस या फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 200, तो इसको नेम दे सकते हैं 200 of 0। सिमिलरली 200 of 1, सिमिलरली 200 of 2। क्लियर, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे कैलॉक के अकॉर्डिंग 0 0। सेम वैल्यूज था मेलॉक से भी करा सकते थे, डजंट मैटर। नेक्स्ट टाइम कैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस 200 इंट स्टार में कन्वर्ट होने बाद मीन्स यहाँ P0 P1 इटसेल्फ क्या है, P0 P1 क्या है पॉइंटर, मीन्स एरे क्या है एरे ऑफ पॉइंटर्स। इसे एरे के अंदर टू पॉइंटर्स क्रिएट हुए हैं, फर्स्ट पॉइंटर के थ्रू पॉइंट क्या हो रहा है फर्स्ट रो, सेकंड पॉइंटर के थ्रू पॉइंट क्या हुआ सेकंड रो, क्योंकि सेकंड पॉइंटर 1000 है, वन में कैसा हो जाएगा 200, 1000 of 1 और P of 1 सेम मीन इस प्लेस पर आसानी का 200, तो सेम पॉइंटर सेकंड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा सेकंड एरे को, मीन इससे पॉइंट क्या हो रहा सेकंड एरे। तो इस केस में अगेन P of 1 में क्या स्टोर है 200, तो एट एनी टाइम P of 1 के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हो जस्ट डायरेक्टली 200, कहीं भी P of 1 यूज करो उसके प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 200। सिमिलरली 200 के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस करा सकते हैं P of 1, तो चेक करो यार 200 के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हो P of 1 P1, देन 200 के साथ सेपरेट इंडेक्स क्या है 0, देन अगेन 200 के प्लेस पर क्या जाएगा P1 एंड अगेन कॉलम इंडेक्स क्या है 1, अगेन 200 के प्लेस पर क्या जाएगा P1 इंडेक्स क्या 2। इस टाइप से इसे पर्टिकुलर ब्लॉक से स्टैटिकली क्रिएट हुए डायनेमिकली, लेकिन इस केस में फिजिकली चेक करो सिंटैक्स वाइज एक्सेस कैसे करें लुक्स लाइक अ 2 dimensions, क्योंकि पी के साथ कितने डायमेंशन से अप्लाई कर रहा है 2 dimensions। दिस इज द फर्स्ट रो का इंडेक्स मैंने लॉजिकली कंसिडर किया 0, सेकंड रो का इंडेक्स किया जस्ट 1, तो चेक कर सकते हो फर्स्ट रो में सभी प्लेस पर रो इंडेक्स किया 0 0 0, सेकंड रो में सभी प्लेसेस पर रो इंडेक्स क्या 1 1 1। इस केस में कॉलम इंडेक्स क्या, फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स क्या 0, नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स क्या 1, दिस इज कॉलम इंडेक्स, अगेन कॉलम इंडेक्स, दिस इज रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। क्लियर, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, अगेन रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। इस कंप्लीट रो के अंदर रो इंडेक्स क्या 1, कॉलम इंडेक्स क्या डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर, नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद असाइनमेंट कराया, असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर प्रोसेस किस टाइप से इंटरप्रेट हो रहा है, P00 इक्वल टू क्या असाइनमेंट है जस्ट 10, इसको भी कॉन्सल्टेट करने की नीड होगी, मैं सिर्फ पर्टिकुलर से एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है P00 इक्वल टू 10। देखा जाए तो वैसे तो मैंने फिजिकली भी नेम प्रोवाइड किया P00 इस लोकेशन का नेम, तो इस लोकेशन में क्या असाइनमेंट हो जाएगा 10, लेकिन इंटरनली किस टाइप से प्रोसेस होगा सिंपल। अगर आपको ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर्स के केस मैंने डिस्कस किया था जस्ट, वे ब्रैकेट कैसा है 2D, मीन्स ब्रैकेट अपने आप में क्या है लाइक अ ऑपरेटर, ब्रैकेट क्या है ऑपरेटर्स, प्लस इस ब्रैकेट के केस में दोनों ही ब्रैकेट्स के प्रायोरिटी कैसे सेम, मीन्स ऑपरेट मीन्स ए ऑफ आई, ब्रैकेट को कंसिडर करो एज ऑपरेटर, तो ए क्या है इस केस में फर्स्ट ऑपरेंड, आई क्या है सेकेंड ऑपरेंड, तो इसका टाइप क्या है यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर, टू ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में। बाइनरी ऑपरेटर्स के केस में सेम ऑपरेटर्स के प्रायोरिटी कैसे हैं ऑलवेज सेम, देन प्रायोरिटी के बेसिस पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं कि पहले फर्स्ट रो रिजॉल्व हुआ है सेकंड रो, लेकिन इस केस में अप्लाई क्या हुआ एसोसिएटिविटी रूल, बाइनरी ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट आप रिप्लेस क्या करो वैल्यू ऑफ P0, आप चाहो तो पहले P का वैल्यू रिप्लेस करा सकते हो, तो P के प्लेस पर P का वैल्यू क्या जाएगा 1000, उसका मीनिंग क्या हुआ 1000 of 0 of 0, देन फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन है 1000 और सेकंड ऑपरेंड कौन है 0, तो उसका मीनिंग क्या हुआ लाइक दैट। 1000 of 0 के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा सकते हो 1000 of 0 का वैल्यू विच इज 100, तो इसके प्लेस पर क्या जाएगा 100, इट विल बिकम्स 100 of 0, तो फाइनली वैल्यू 10 उस प्लेस पर असाइन होगा जिसका नेम 100 of 0 है, 100 of 0 मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस का नेम क्या 100 of 0, इसमें असाइन किया जाए 10, और डायरेक्टली उसका वन मोर नेम क्या था P00, तो P001 में क्या असाइन होता है जस्ट 10 इन दैट केस। सेकंड वन P01, तो P0 के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा सकते हो P0 का वैल्यू, P of 0 का वैल्यू क्या है 100,
या फिर पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा सकते हो? अगर आप स्टार्टिंग से रिजॉल्व करना चाहते हो, पी के प्लेस पर क्या आएगा 1000 एंड 1000 ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या आएगा 1000 ऑफ जीरो का वैल्यू 100। तो इसके प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा? जस्ट 100। इट विल बिकम्स 100 ऑफ 1। तो 20 किस प्लेस पर आसान होगा? 100 ऑफ 1 इस प्लेस पर क्या आसान हो गया? जस्ट 20। लेकिन सिंटैक्टिकली किस फॉर्म में राइट हो रहा है? लाइक अ टू डायमेंशन एरे। लेकिन कहीं भी आपको फिजिकली कोई 2D एरे क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, सारे के मीन्स टोटल 3 एरे क्रिएट हुए हैं। लेकिन 3 एरे इटसेल्फ क्या है? जस्ट 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे की जब मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करो उसको नेम क्या दोगे? 2D एरे। जैसे 2D एरे का बेसिक डेफिनेशन क्या है? 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। मीन्स राइट मीन्स डायग्राम में किसी भी टाइप से राइट करो, लेकिन लॉजिकली इसको कंसिडर करो जाए फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। फर्स्ट रो के अंदर कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स। सेकेंड रो के अंदर कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 by 3। क्लियर? नेक्स्ट वन पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? पी ऑफ जीरो का वैल्यू। एंड पी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है? अगेन 100। तो इस प्लेस पर जस्ट डायरेक्टली रिप्लेस करा सकते हो 100। देन 100 ऑफ 2 में क्या आसान हो जाएगा? 30। 100 ऑफ 2 मीन्स दैट प्लेस, आसानी क्या हो जाएगा? जस्ट 30। सिमिलरली इन अदर प्लेसेस के साथ पी ऑफ 1, पी के प्लेस पर क्या जाएगा? जस्ट 1000। रिप्लेस क्या हो? 1000 ऑफ 1। 1000 ऑफ 1 में क्या स्टोर है? जस्ट 200। तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करोगे? वैल्यू एज 200। 200 ऑफ 0 में क्या आसान होगा? वैल्यू एज 40। इस लोकेशन का नेम क्या है? 200 ऑफ 0, इसमें आसानी क्या हो जाएगा? वैल्यू एज 40। सेम एज नेक्स्ट टाइम पी ऑफ 1 में आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो कि पी ऑफ 1 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ था? 200। तो अगेन क्या रिप्लेस होगा? 200। इट विल बिकम्स 200 ऑफ 1। 200 ऑफ 1 में क्या आसान हो जाएगा? 50। इस लोकेशन का नाम क्या है? 200 ऑफ 1, आसानी क्या हो जाएगा? 50। सेम एज नेक्स्ट केस पी 1 के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस करेंगे? 200। 200 ऑफ 2 में क्या आसान हो जाएगा? 60। 200 ऑफ 2 मीन्स लास्ट ब्लॉक, आसानी क्या हो जाएगा? जस्ट 60। क्लियर? नेक्स्ट वन डायरेक्टली डिस्प्ले करा है पी 00। पी 00 के इसमें आपको डायरेक्टली शो हो रहा है क्या? 10। पी 01, पी 01 में क्या है? आपके लिए 1 by 1 रिजॉल्व करना भी पॉसिबल, लेकिन मैंने नेम्स प्रोवाइड किया इसलिए आप डायरेक्टली रिप्लेस करा सकते हो। पी 01 का वैल्यू क्या है? जस्ट 20, देन 30। तो फर्स्ट प्रिंट टैप के थ्रू जस्ट आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? यूजिंग फर्स्ट प्रिंट ऐप। फर्स्ट प्रिंट ऐप से जस्ट डिस्प्ले क्या जाएगा? 10, 20, 30। मैंने सब कुछ डायरेक्टली राइट किया, आपके लिए सब कुछ लूप्स के थ्रू भी मैनेज करना पॉसिबल। सेम एज वन डायमेंशनल एरे, मींस पी को एग्जैक्टली एक्सेस करना पॉसिबल। सेम एज टू डायमेंशनल एरे, सॉरी नॉट अ वन डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट टाइम पी 10, पी 1 ऑफ 0 में क्या स्टोर है? 40। तो स्पेस पर क्या आएगा? 40। पी 11, पी 11 में क्या स्टोर है? 50। पी 12 में क्या है? जस्ट 60। नेक्स्ट प्रिंट टैप से क्या डिस्प्ले हो जाएगा? इस स्लैश से लाइन चेंज हो चुका है, देन 40, 50, 60। तो फाइनली ये एरे लॉजिकली कैसा था? टू डायमेंशनल एरे। सिमिलरली अगर आपको फ्री कराना, तो फ्री कराने के केस में अगेन इसके इस ब्लॉक को फ्री कराने का वे क्या होगा? सबसे पहले आप फ्री किसको कराओगे? इस केस में फाइनली टू डायमेंशनल एरे जब भी डायनेमिकली क्रिएट करोगे तो टू टाइप्स के एरे क्रिएट होंगे, एलिमेंट एरे एंड पॉइंटर एरे और एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स का साइज क्या होगा? डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज। इसके साथ टू रो थे, टू रो के रिस्पेक्ट में टोटल वन डायमेंशनल एरे कितने क्रिएट हुए? टू वन डायमेंशनल एरे। और टू वन डायमेंशनल एरे के भी बेस एड्रेस कितने होंगे? टू डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस। टू डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए पॉइंटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? टू पॉइंटर्स। इसलिए पहले पॉइंटर्स को स्टोर कराने के लिए एरे क्रिएट हुआ, देन एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए एरे क्रिएट हुआ। तो पॉइंटर वाले एरे का साइज क्या हुआ? एरे ऑफ पॉइंटर का साइज क्या हो? डिपेंड करेगा रो साइज। अगर रो साइज 10 है, देन इसका साइज मीन रो साइज 10 है, देन इसके साथ वन डायमेंशनल एरे कितने क्रिएट होंगे? 10 वन डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स प्लस 10 डिफरेंट एरे के साथ बेस एड्रेस भी कैसे होंगे? 10। तो 10 एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए पॉइंटर्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे? 10 पॉइंटर्स। तो इसलिए इस केस में पहले एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट हुआ, देन एलिमेंट एरे। क्लियर? देन अगर फ्री कराना, तो फ्री के केस में पहले फर्स्ट ब्लॉक को फ्री कराने के लिए जस्ट इसका एड्रेस क्या है? 100। और इस लोकेशन का नेम क्या है? अगर आप पी 00 यूज करोगे, देन क्या रिप्लेस होगा? 10। आपको रिक्वायर्ड क्या है? 10 और 100। और 100 केस में 1000 ऑफ 0, 1000 ऑफ 0 मीन्स पी 0। तो पहले आप फ्री के रिस्पेक्ट में राइट डाउन क्या करोगे? लाइक दैट वे एलोकेशन 3 टाइम में परफॉर्म होगा, तो डी एलोकेशन में कितनी टाइम में परफॉर्म होना चाहिए? 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम क्या पास करोगे? पी ऑफ 0। चेक कर सकते हो पी 0 में क्या स्टोर है? करंटली 100। तो इस प्लेस पर फ्री में क्या पास होगा? 100। जो 100 वाला ब्लॉक
डी एलोकेट हो जाएगा। सेम है सेकंड टाइम डी एलोकेट किसको करा हुआ, सेकंड एरे को। सेकंड एरे का एड्रेस क्या है 200, और 200 किसमें P1 में। नेक्स्ट टाइम क्या पास करोगे P(1)। जस्ट मैंने इसके इसमें डायरेक्टली सब कुछ राइट डाउन किया जैसे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो, जबकि आपके लिए सब कुछ लूप के फॉर्म में चलाना पॉसिबल है। इसे लूप 0 to 1 चला सकते थे। देन सेकंड एरे डी एलोकेट हो जाएगा, उसके इसमें P(2) पास किया, P(2) का एड्रेस क्या है जस्ट P(1) पास किया, P(1) में क्या 200। नेक्स्ट टाइम सिर्फ एरे और पॉइंटर को भी फ्री कराना पॉसिबल होगा। इस केस में एरे ऑफ पॉइंटर का एड्रेस क्या 1000 स्टोरेज में पी में, तो डायरेक्टली क्या पास करोगे पी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके जस्ट डी एलोकेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल था।